आज कैबिनेट के द्वारा यह भी तय किया गया कि तकनीकी शिक्षा कौशल और विकास रोजगार विभाग द्वारा जो हमारे आईटीआई विहीन विकास खंड है उन 22 शासकीय आईटीआई की स्थापना इनके अंदर हम करें, जिससे कि हमारे आईटीआई के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम की ओर हम बढ़ें। इसके लिए 400 प्रशिक्षकी 418 एवं प्रशासकीय 242 पदों के सृजन की स्वीकृति भी कैबिनेट के द्वारा दी गई है। इसमें 34,786.40 लाख रुपए 5 वर्ष के लिए अनावर्ती व्यय रुपए 9,460 लाख के वित्तीय प्रावधान की भी स्वीकृति दी गई है। आज मंत्रिपरिषद के द्वारा हमारी आंगनवाड़ी जो की जो कार्यकर्ता हैं बहनें और सहायिकाएं हैं उनको अब 13,000 प्रतिमाह मिलेगा 3,000 बढ़ने के बाद। इसी तरह से सहायिकाओं को 5,750 बढ़ाने के बाद मिलेगा। यह भी कहना यहाँ प्रासंगिक है कि हर वर्ष अब 1,000 रुपये की वृद्धि इनकी होती जाएगी, ऑटोमेटिक होती जाएगी और सहायिका की भी 500 रुपया की वृद्धि होती जाएगी। रिटायरमेंट होने पर जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उसे 1,25,000 रुपया और जो सहायिकाएं हैं उनको 1,00,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी रिटायरमेंट होने पर।